बुंदेलखंड के हरिद्वार में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर एक कैंप का आयोजन किया गया। इसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर लोगों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर उपलब्ध दवाइयों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। लाभार्थी करीब 40 के करीब लाभार्थी पहुंच चुके हैं, जो कि सब सीनियर सिटीजन हैं। और ये प्रोग्राम पूरे देश में मनाया जा रहा है। ये केंद्र सरकार की योजना है। मोदी जी ने 75 साल देश की आज़ादी को पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम, ये स्वतंत्रता आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया जा रहा है। इसी पर ये डेट डिसाइड करी गई है 10 अक्टूबर को। इस वजह से आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। सर जी, हमारे यहाँ जो दवाइयाँ होती हैं सब क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन होती हैं, जो उतना ही काम करती हैं जितना कि ब्रांडेड दवाइयाँ करती हैं। दूसरा, जो दवाई हमारे यहाँ जो छूट पर प्राप्त होती है वो 50 से लेकर के 90% तक की दवाई पर छूट होती है। मैं एग्जांपल भी अगर आपको दूँ, कोलेस्ट्रॉल की एक दवाई आती है, नाम नहीं लूँगा मैं किसी भी ब्रांड का, उसकी कीमत मार्केट में एवरेज कीमत 200 रुपये की होती है 10 टैबलेट। हमारे यहाँ पर वही टैबलेट 20 रुपये में उपलब्ध कराई जाती है। इसी तरह इंसुलिन भी हमारे यहाँ बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाए। अभी जो सरकार ने आदेश दिया है, आदेश तो बहुत पहले से दे रखा है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से अभी नहीं हो पाया है। अभी सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों ने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही ये जियो निकाला है कि कोई भी डॉक्टर ब्रांडेड दवाई नहीं लेंगे। तो आज यहाँ अभी तक लगभग 40 लोग तो पहुँच चुके हैं, अभी कुछ लोग जो उन्होंने इतना अच्छा निर्णय लिया है, और सब लोगों को दवाइयाँ भी मिल रही हैं। परसों मैंने यही बोला था कि भाई दवाइयाँ भी मिलनी चाहिए, तो आज उन दवाइयों का भी धंधा को प्राप्त हो रही है। आप देखें कि हर चीज़ में मैंने ये दवाई नहीं खरीद पाता लोग, तो मैं कह रही कि बस ये है कि सभी जनता को ब्लड टेस्ट भी हो रहा है और दवाइयाँ भी मिल रही हैं, बहुत लाभ मिलेगा। और अभी मैं सोच रही हूँ 2-4 जगह और भी लगवा दूँ इस आदि का कैंप, और जनता इसी तरह सुबह से 8-8 बजे से लगा हुआ है कैंप। हर जगह लगवाएंगे। अभी मैं सोच रही हूँ टिपड़ी में भी लगवाना है एक मैंने, और एक डिस्ट्रिक्ट में लगवाना है, और 2-3 जगह और निश्चित करके आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कहाँ लगवाना है। तो अच्छा चल रहा है, अच्छा ही, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात बहुत बढ़िया काम है, जनता की सेवा कर रहे हैं। साफ सफाई अभी हमारा एक टेंडर का वो हमारा रोड जो उनका भी शुरू हो गया है, हमारा भी लग गई है, और अभी कोई जो मतलब ऐसा बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा शहर हमारा। दिवाली में बहुत अच्छा है, दिवाली तो खैर अभी होगी, पूरा साल ही अच्छा है। साफ सफाई में हम सही हैं, आपको पता ही है, जितने भी हम साफ सफाई से ही हैं, तो हमारा यही है मकसद कि हरिद्वार अपना शहर है, इस तरह हम हरिद्वार को साफ कर सकते हैं, क्योंकि गरीब व्यक्ति यहाँ काम करता है और अभी यात्रा करते हैं। तो अच्छा मतलब हरिद्वार से मैसेज अच्छा जाना चाहिए कि सफाई के लिए, क्योंकि सभी को हमारे जैसा सबको नवरात्र में जो मुझे पहले तो नवरात्र में चल रहे हैं, क्योंकि नवरात्र की देवी माता सबकी प्रेरणा, और ऐसे ही हमारा आपको गौरव से बढ़ा रहे और हमारा आपको मिलता रहे। शादी को तो बहुत शुभकामना देती है, तो उन्होंने कितने अच्छा ये ब्लड टेस्ट सोचा है, और देखो बाहर से आए के उनके उनका भी एक आशीर्वाद है। मैं चाहूँगी उनका बहुत आगे बढ़े और बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। सोचा है कि हम आगे कंटिन्यू रखेंगे कैंपिंग वगैरह जो हम कर रहे हैं, हम ये आगे कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभार्थी हों। और ये दवाइयों को भी आज हमने निःशुल्क रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं, मेयर मैम ने बोला है कि जितना आप सहयोग कर रहे हैं उतना अच्छा है, लोगों को आपकी तरफ से जो सुविधाएं मिल रही हैं वो हमें काफ़ी अच्छी लगी। हमारी खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो हमने सोचा क्यों ना हम दवाइयों का भी थोड़ा सा सेवा करें, लोगों की दवाइयों की निःशुल्क रखें, और आगे भी निःशुल्क रखने की सोची है। आगे भी यही करेंगे, कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा हम लोगों की मदद कर सकें उतनी कर सकें। इस तरह से
फायदा ये है, जैसे लोग नहीं जानते कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इतनी महंगी दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, निःशुल्क जाँच अफोर्ड कर लेंगे, यहाँ पर दवाइयाँ अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि जो कोविड का इस टाइम पीरियड चल रहा है बहुत से लोग ऐसे हैं कोविड की वजह से डर के मारे भी हॉस्पिटल्स वगैरह में नहीं जा पा रहे, तो वो निःशुल्क जाँच में अपना बिना डर के आ सकते हैं। सर हमारी तरफ से दशहरा दिवाली की तरफ से यही सोचा है कि कैंपिंग करते रहेंगे, जैसे हम कंटिन्यू करते हैं लोगों को, हम शुभकामनाएं के तौर पे आगे ये सोचा है कि आगे जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें हम कार्य करें, ग्रामीण लोगों को अपनी तरफ से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करें।